आज क्वालिफायर टू में आरआर के सामने आरसीबी की चुनौती होगी। बड़ा मैच खेला जाएगा, जो भी टीम आज का मैच जीतेगी वो सीधे फाइनल में पहुंचेगी और गुजरात टाइटंस को चुनौती देगी। लेकिन उससे ठीक पहले आरसीबी के यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सबसे शानदार गेंदबाज, सबसे बड़े खिलाड़ी हर्षल पटेल ने चेतावनी दे दी है, न सिर्फ राजस्थान रॉयल्स की टीम को बल्कि गुजरात टाइटंस की टीम को भी। और जितने भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस हैं उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के लिए और साथ ही साथ गुजरात टाइटंस के लिए हर्षल पटेल ने कहा है कि हम इस सीजन सबसे बेहतरीन टीम बनना चाहते हैं और हम यहां से जीत के लिए खेलना चाहते हैं। जी हां, ये हर्षल पटेल का आप बयान है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से हमारी टीम ने अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स परफॉर्मेंस करके दिखाया, उसके बाद से हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा है और हम चाहते हैं कि यहां से हमारी जो चर्चा हो सबसे बेहतरीन टीमों में हो और हम यहां से टॉप पर जाएं। यानी कि वो यहां पर चैंपियन बनने के लिए खेलते हुए अपने आप को देख रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि आरसीबी की टीम यहां से चैंपियन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर उन्होंने आज आरआर को हरा दिया यानी कि राजस्थान को हरा दिया और फिर फाइनल में अगर गुजरात टाइटंस को हरा देती है तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आईपीएल के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनती हुई नजर आ सकती है। और हर्षल पटेल का कहना, क्योंकि वो सुपरस्टार गेंदबाज है, अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स भी उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 25 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था, लेकिन कितनी किफायती गेंदबाजी की जिसके दम पर आरसीबी की टीम जो है वो क्वालिफायर टू में पहुंची है। तो उनकी बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनका बयान यानी कि टीम का बयान है और ये कहना कि हमारी टीम यहां से सबसे बेहतरीन टीम बनकर आएगी और हम टॉप पर जाएंगे यानी कि चैंपियन बनेंगे, ये चेतावनी देना कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि डराएगा आरआर के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको भी और साथ ही साथ गुजरात टाइटंस को भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई में आरआर की टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम इनकी बातों से डर जाएगी या राजस्थान के जो रजवाड़े हैं वो और बेहतरीन परफॉर्मेंस करके इस मैच को अपने हक में कर लेंगे? आपको क्या लगता है आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा।